नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर लगा रहा बधाइयों का तांता। दिन भर टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहे शुभकामना संदेश। कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मायावती शिवपाल ने भी दी सीएम योगी को बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण। हरिशंकरी के रोपण से सीएम योगी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एक ही थाले में एक साथ पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को लगाए जाने को कहते हैं हरिशंकरी पौधरोपण। महामहिम के हाथों में खूब इतराया गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प। सीएम योगी ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को भेंट की टेराकोटा की मूर्तियां। महामहिम के सपरिवार अवलोकन के लिए सर्किट हाउस में लगा टेराकोटा शिल्प का स्टॉल और मजबूत हुई ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ब्रांडिंग। पर्यावरण दिवस के दिन जन्मदिन और उसके प्रति योगी की प्रतिबद्धता। प्रस्तुत है गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज के लिए स्पेशल स्टोरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला मीडिया से रूबरू। कहा, धरती को बचाने के लिए हर व्यक्ति को करना ही होगा पौधरोपण, तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी रहेगा सुरक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। वक्ताओं ने कहा, वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की बनता जा रहा है एक गंभीर समस्या। वृक्षारोपण और वृक्षों को संरक्षण करना है एकमात्र उपाय। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं अपने संरक्षक मुख्यमंत्री व गोरखपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर किया वृक्षारोपण। प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने नागरिकों से की अपील। कहा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम जरूर लगाएं एक पौधा। बच्चे और बड़ों ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ धूमधाम से मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। सदर सांसद ने सीएम योगी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर राष्ट्र बंधन समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जन्मदिन। गोरखपुर में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 17,773 में से 8,733 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 9,040 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों व समाज के विविध क्षेत्रों के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रविवार पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। ट्विटर पर सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाई संदेश टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहा। गोरखपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने रविवार सुबह सर्किट हाउस में सीएम योगी को गुलाब का फूल भेंट कर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसे लेकर एक तस्वीर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के ऊर्जस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके समर्थ नेतृत्व में राज्य ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।
मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को गुंडाराज से मुक्त कर विकासोन्मुख शासन दिया है, उससे प्रदेश प्रगति के नए कीर्तिमान बना रहा है। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ईश्वर से कामना करता हूं। कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, भाजपा के शीर्ष पंक्ति व वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आदि ने भी सीएम योगी के जन्मदिन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शुभकामनाओं के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के बधाई संदेश के लिए हृदय से आभार जताते हुए सीएम योगी ने उनके ट्वीट पर जवाब लिखा कि लोक कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता मुझे जनसेवा हेतु प्रतिक्षण प्रेरित करती है। कामना है कि आपका संवेदनशील मार्गदर्शन एवं ऊर्जावान नेतृत्व सतत प्राप्त होता रहे। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गौशाला में हरी शंकरी, पीपल, बरगद व पाकड़ पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही गोरखपुर जिले की 1294 ग्राम पंचायतों एवं प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में हरी शंकरी पौधरोपण की शुरुआत हो गई। यह सुखद संयोग है कि 5 जून उनका जन्मदिन है और आज वे 50 साल के हो चुके हैं। देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पूरे प्रदेश अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन की व्यस्तताओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर भीमसेन एवं प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव की पहल पर हरी शंकरी पौधरोपण किया। हरी शंकरी पौधरोपण में एक ही थाले में एक साथ पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को लगाया जाता है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग संगठनों द्वारा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव, मुख्य वन संरक्षक भीमसेन, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्रनाथ, गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और भी कहीं जैसे वो थोड़ा सा आसन में फूल बनते का है लगा देना चाहिए। हां जरा एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल गोरखपुर के टेराकोटा मार्टिस शिल्प की ब्रांडिंग रविवार को और मजबूत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह सर्किट हाउस पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को टेराकोटा शिल्प से बनी भगवान श्री गणेश की मूर्तियां भेंट की। महामहिम के हाथों में गोरखपुर का टेराकोटा खूब इतराया। महामहिम भी इस मार्टिस शिल्प के मुरीद नजर आए। इसके साथ ही सर्किट हाउस में राष्ट्रपति के सपरिवार अवलोकन के लिए टेराकोटा शिल्प का स्टॉल लगाया गया।
टेराकोटा गोरखपुर की खास व पारंपरिक पहचान है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसे ODOP में शामिल कर योगी आदित्यनाथ ने इसे उद्यमिता और रोजगार का बड़ा फलक प्रदान किया है। योगी सरकार के प्रयासों से यह अब ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित हो रहा है। इसकी ब्रांडिंग उस वक्त और मजबूत होती दिखी जब राष्ट्रपति के गोरखपुर आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में इसे उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही CM योगी ने राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को भी टेराकोटा शिल्प से गढ़ी भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की। महामहिम इस भेंट से बेहद प्रफुल्लित नजर आए। राष्ट्रपति की सुपुत्री व स्टाफ ने टेराकोटा स्टॉल का अवलोकन किया। सर्किट हाउस में CM योगी के निर्देश पर टेराकोटा शिल्प का स्टॉल लगाया गया। शिल्पकार राम मिलन प्रजापति, अखिलेश प्रजापति और हीरालाल प्रजापति द्वारा सामूहिक रूप से लगाए स्टॉल का अवलोकन राष्ट्रपति की सुपुत्री स्वाति कोविंद व राष्ट्रपति के स्टाफ ने भी किया। इस दौरान उन्होंने शिल्पकारों से बातचीत कर टेराकोटा के बनने की प्रक्रिया और इसकी खूबियों के बारे में जानकारी हासिल की। वह इन उत्पादों की खूबसूरती और कलात्मकता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने 16 उत्पाद खरीद लिए। शिल्पकारों ने उन्हें अपनी तरफ से टेराकोटा शिल्प से बने गणेश भगवान की मूर्ति भेंट की। राष्ट्रपति के स्टाफ के सदस्यों ने भी टेराकोटा उत्पादों की खरीदारी की। सर्किट हाउस में स्टॉल लगाने वाले शिल्पकारों ने कहा कि यह उनके लिए कभी भी ना भूलने वाला पल है। टेराकोटा शिल्पकार राम मिलन प्रजापति ने कहा कि राष्ट्रपति की बेटी और उनके स्टाफ को हमारी कला बहुत पसंद आई। उनसे बात करने का मौका मिलना और उन तक अपनी कला पहुंचाना अविस्मरणीय है। यह अवसर दिलाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। अखिलेश प्रजापति और हीरालाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी कला को ODOP में शामिल कर बढ़ावा नहीं दिया होता तो यह शिल्प दम तोड़ चुका होता। आज उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से टेराकोटा की धाक देश दुनिया में जम रही है। यह उन्हीं की देन है कि हमारे द्वारा तैयार टेराकोटा उत्पाद राष्ट्रपति व राज्यपाल के हाथों तक पहुंच गोरखपुर की माटी की खुशबू बिखेर रहे हैं। राष्ट्रपति जी की बेटी ने भी न केवल हमारे उत्पाद खरीदे बल्कि खूब सराहना भी की। जल जंगल और जमीन की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का आज 5 जून को जन्मदिन है। संयोग से आज ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। अमूमन पहले से घोषित किसी खास दिन और किसी के जन्मदिन में संबंध अपवाद ही होता है। अपने पर्यावरण प्रेम के नाते योगी जी इस मामले में अपवाद ही हैं। गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज़ के लिए स्पेशल स्टोरी प्रस्तुत है। पर्यावरण से योगी जी का यह प्रेम पुराना है। प्राकृतिक रूप से बेहद संपन्न देवभूमि उत्तराखंड से ताल्लुक होने से प्रकृति से प्रेम उनको विरासत में मिला है। यह दिखता भी है। गोरखपुर स्थित 50 एकड़ से विस्तृत गोरखनाथ मंदिर परिसर की हरियाली, वर्मी कंपोस्ट की इकाई, जल संरक्षण के लिए बने आधुनिक टैंक, पॉलीथीन मुक्त हरियाली से लकदक साफ सुथरे परिसर और चढ़ावे के फूलों से बनने वाली अगरबत्ती की इकाई के रूप में मुख्यमंत्री बनने के बाद पर्यावरण के प्रति यह प्रेम और प्रतिबद्धता और भी व्यापक रूप में दिखती है। अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए हर साल रिकॉर्ड पौधारोपण के रूप में 100 करोड़ से अधिक का पौधारोपण हुआ। इसका नतीजा भी सामने है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.23% हिस्से में वनावरण है। 2013 में यह 8.82% था। रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक सरकार ने इस रकबे को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार 2.0 ने अगले 5 साल में 175 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए अगले 5 साल में 175 करोड़ पौधे लगेंगे। इस वर्ष का लक्ष्य 35 करोड़ पौधारोपण का है। इसी वजह से सरकार ने योगी सरकार 1.0 से ही वर्षा काल में सघन पौधारोपण करा रही है। साल दर साल की प्रगति देखें तो लक्ष्य बड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पौधारोपण से जुड़े, यह जन आंदोलन बने। नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी, गंगावन, अमृतवन जैसी योजनाओं के पीछे यही मकसद है। बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे देशज पौधों को वरीयता मिलेगी। सरकार की मंशा है कि वर्षा काल में जो पौधारोपण हो वह संबंधित क्षेत्र के एग्रो क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार हो। अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित 29 प्रजाति और 943 विरासत वृक्षों को केंद्र में रखकर पौधारोपण का अभियान चलेगा। इसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के साथ देशज पौधे पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल और सहजन जैसे औषधीय पौधों को वरीयता दी जाएगी। वन विभाग सहित 27 विभाग मिलकर मिशन 35 करोड़ पौधारोपण को सफल बनाएंगे। हालांकि पौधारोपण की नोडल एजेंसी वन विभाग है, लेकिन पौधारोपण के महाअभियान में वन विभाग के अलावा 26 अन्य विभाग भाग लेंगे। हर विभाग का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। इस क्रम में सर्वाधिक 12.60 करोड़ और 12.32 करोड़ का लक्ष्य क्रमशः वन एवं ग्राम्य विकास विभाग का है। इसके अलावा कृषि विभाग और उद्यान विभाग का लक्ष्य क्रमशः 2.35 करोड़ एवं 1.55 करोड़ पौधारोपण का है। इस अभियान को सफल बनाने में पर्यावरण सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यावरण सेनानी में कृषक एवं प्रधानमंत्री सम्मान के लाभार्थी, गंगा प्रहरी, सशक्त बल महिलाएं, दिव्यांग, कम आय समूह, दृष्टिबाधित, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय एवं नगर विकास कर्मी, वन कर्मी, आदिवासी, वनवासी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के लाभार्थी, शिक्षक, विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज पर्यावरण दिवस भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, इसके कारण हमने भी आज वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन में पानी का स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। हर गांव शहर में पेड़ों को काटकर इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे पूरा भारत कंक्रीट जंगल दिन पर दिन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीढ़ी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पहले के समय में हमारे माता पिता ने हम सभी को अच्छा भविष्य दिया, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, हरियाली दिया। आने वाले कल को हम अपने बच्चों को घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, लेकिन हम उनको ऑक्सीजन, हरियाली नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी नागरिक हैं वह एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए। 135 करोड़ की आबादी में अगर हर एक आदमी एक पेड़ लगाता है तो आने वाली पीढ़ी को हम हरियाली, अच्छा वातावरण और हम अपने आने वाले भविष्य को, इस देश को और इस धरती को बचा सकेंगे और इस भारत को बचाना हम सभी का दायित्व बनता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, संगोष्ठी का जो प्रमुख उद्देश्य है कि नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ला। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे हमारे लोगों ने, गोरखपुर के जितने भी सम्मानी लोग हैं, उन लोगों ने एक ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ आने से पहले मैंने 3 वृक्ष आज लगाए। एक तो हमारे पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है तो वृक्षारोपण वो भी किया, और पर्यावरण का एक मुहिम से मैं भी जुड़ा हूँ, सेव सॉइल, जिसको मिट्टी को बचाओ, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वो आप लोगों को भी गौर से सुनना चाहिए कि आने वाले समय में जो हम लोगों ने भौगोलिक तरीके या साइंटिफिक रीजंस से पता किया है कि ज़मीन में पानी का स्तर जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके देखिए कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है पूरा भारत, हर जगह, अब गाँव में भी गांव नहीं रहा, हर जगह इमारतें बन रही है, ग्रोथ है, मैं समझता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर आप कोई पेड़ कट रहा है या तो सड़क बन रही है तो उसके एवज में ऑल्टरनेट वी हैव टू
प्लांट अ ट्री, हमको पेड़ लगाना है। अगर कुछ एक चीज़ कट रही है तो हमको उसके ऑप्शन में चार लगाना है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से लेके सब कुछ, ये ग्लोबल वार्मिंग भी जो आप महसूस कर रहे हैं अचानक, इस वक्त हम लोग बहुत सारी गर्मी को महसूस कर रहे हैं, ये वो रीज़न है। पहले का समय याद रखिए, हमारे बचपन का समय याद रखिए, वो समय क्या था और ये अचानक होता क्या जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को, डॉक्टर साहब आप सबको, एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ के विश्व पर्यावरण दिवस और एक जो वैचारिक संगोष्ठी है जहाँ पर एक बातचीत होना कि आने वाले पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंच या एक कोई बातें नहीं है, या मैं एक सांसद हूँ या मैं एक सुपरस्टार आपका बनाया हुआ हीरो हूँ, मैं बोलना क्या जा रहा हूँ उसको आप सभी लोग चैनल के माध्यम से गौर से सुनिएगा। आने वाला समय बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो क्या हम अपने बच्चों को, हमारे बाप दादाओं ने हमको अच्छा भविष्य दिया, हम लोग हेल्दी रहे, हम लोग अच्छा खाए पिए बिकॉज ग्रीनरी में रहे, हम लोग अच्छे वातावरण में रहे, हरियाली में रहे, क्या हम अपने बच्चों को वैसा भविष्य देने जा रहे हैं? पैसे बना दे रहे हैं, घर गाड़ी उनके लिए फ्यूचर, उनके लिए प्रॉपर्टी बना के जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना के जा रहे हैं, क्या उनको सांसें दे पाएंगे हम? क्या हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं? तो वो आप लोगों को सोचना आज से बनता है। तो सभी जितने गोरखपुर मंडल या इस वक्त उत्तर प्रदेश या भारत में मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कृपया एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए। सोचिए, 135 करोड़ की आबादी है, एक पेड़ अगर एक परिवार लगाएगा, एक बच्चा लगाएगा, एक एक दादाजी या पिताजी लगाएंगे, हम अपने आने वाले भविष्य को, अपने देश को, इस धरती को बचाएंगे, इस भारत को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम लोग नया जीवन देंगे। ऑक्सीजन से लेके कई अनगिनत प्राणियों को जीवन देता है ये पेड़। ये एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखती है हरियाली, इसके बहुत महत्व हैं। और रेन से लेके मॉनसून से लेके फूड से लेके सॉइल से लेके एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बाय पर्यावरण। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, हम सबको इसको जानना है और इस पर हम लोगों को अमल करना है, इस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं सभी से आज इस पर्यावरण दिवस पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक वचन आप लोग अपने आप से दें, कहीं भी हो एक पेड़ ज़रूर लगाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये चिंतन और ये चिंता हम जान रहे हैं, पार्लियामेंट में अक्सर वो हमसे बोलते हैं। पूज्य महाराज जी योगी जी की चिंतन और चिंता, आज सवेरे उन्होंने अपने जन्मदिनों पर भी एक पेड़ लगाया। मैंने अभी यहाँ पर तीन पेड़ अभी लगा के झारखंडी मंदिर से मैं यहाँ डायरेक्ट आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग करें और हम इस भारत को बचाएं, इस सुंदर भारत को जिसको किसी वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे इस सुंदर भारत को संभालना बचाना हम ही लोगों का दायित्व है। उसके बदले में अगर सड़क, देखिए ग्रोथ हो रही है, आबादी बढ़ रही है, लोगों को पास गाड़ियां हैं, लोगों को स्पीड में पहुंचना है, शॉर्टकट है सबके लिए, लेकिन उसके एवज में सरकार ने तो मुहिम कर दी है। राज्य सरकार अनगिनत पेड़ लगा रही है, अनगिनत पेड़ प्रशासन को मुफ्त में दिए जा रहे हैं, अनगिनत पेड़ केंद्र सरकार द्वारा भी दिए जा रहे हैं। हम लोगों का भी दायित्व है, अगर सड़क बन रही तो मैं ये ऑल्टरनेट है एक सरकार का ये कि उतने पेड़ कहीं ना कहीं उसको प्लांटेशन करें, सरकार उस मामले में पूरी बैलेंस कर रही है। लेकिन हम जनता को भी, जो इस भारत के मूल निवासी हैं, उन सबको भी, उनका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी पेड़ अपनी अपनी जगह ज़रूर लगाएं। नहीं, हम लोग अभी रामगढ़ झील के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं, गीडा के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अशफाकुल्ला खान जू के पास अनगिनत पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक पूरा ग्रीन जोन उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ऐसा पूरे वो चिंता महाराज जी के शहर में, और जहाँ मुख्यमंत्री महाराज जी हैं वहाँ पर, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है वहाँ पर, ये सारे नियम कानून को बैलेंस किया जाएगा, कहीं कोई गलती या कहीं कोई गलत काम ये नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। उसके लिए बैलेंसिंग हम कह रहे हैं ना, हर जगह पे सरकार अनगिनत पेड़ दे रही है, हर राज्य में, हर ज़िले में आप पता करेंगे आपको पता चलेगा कि पेड़ लगाने की एक मुहिम है, अवेयरनेस है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पेड़ लगाने के लिए एक सांसद के रूप में मैं गोरखपुर के आपके समक्ष कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस जानकारी सबको देनी है और सबको दे रहे हैं। अगर पेड़ आपके पास
लगाए गए हैं या मैं लगा के गया हूँ गोरखपुर में, तो उसको पानी देना, उसकी रक्षा करना, वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो आपका दायित्व बनता है। पेड़ लगा के तो हमको सांसद बुला के सब लोग चले जाते हैं, हम लगा के चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रख रखाव की जिम्मेदारी भी कृपया आप लोग एक मनुष्य की तरह एक मानवता के रूप में ज़रूर लें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निजी होटल में वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन अग्रवाल द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदर सांसद रविकिशन शुक्ला को बुके एवं पौधे से स्वागत किया गया। जिसके संबंध में वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन अग्रवाल ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व में 1972 से यह दिवस मनाया जाता है। वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य रोगी ही नहीं अपितु आम जनमानस भी प्रभावित हो रहा है। गाड़ियों का धुआं, रोड पर उड़ती धूल, सड़क पर जलाया जा रहा कचरा, शहरों में बढ़ता जाम भयंकर बीमारियों का जन्मदाता हो रहा है। इसलिए वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है और हमारे वायुमंडल में मौजूद शुद्ध वायु का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव वायु के बिना 5 से 6 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि गोरखपुर वासियों को भी जागरूक किया गया है कि कैसे पर्यावरण को बचाना है, कैसे वृक्षारोपण करना है और इसका संरक्षण कैसे करें। इस अवसर पर डॉक्टर अश्विनी मिश्रा, डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, डॉक्टर रत्नेश तिवारी, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ छाती व टीबी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने कहा, मेरा जहाज इन्होंने छुड़वा दिया। मैं आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर एनवायरमेंटल डे विच यू हैव टू बी रियली वर्ल्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पशु, कि हम अपने पशु को व्हाट आर वी गिविंग। आवर फादर्स आवर फादर्स हैव गिवन अस एवरीथिंग, बट वी शुड आल्सो थिंक अबाउट आवर कमिंग जनरेशन, which we don't, because most of the time we are either busy in earning money, either we are busy in just thinking about ourselves or day-to-day life. We never think about the future of our generation of the country. There's so many buildings have been erected and there's every day there's demolition, and you can see there's global warming. So we have a high time, we should just take this as a big warning call. This Yashasvi Pradhan Mantri, Prime Minister, Mr. Modi ji also thinks and he worries all the time. To how about the future of our country? आज
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व भर 1972 से 5 जून को ये मनाया जाता है। पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ गोरखपुर में इसको मना रहे हैं। कोविड नाते पिछले 2 साल से ऑनलाइन काम करना पड़ा हमें, परंतु अब फिर कोविड चला गया है तो हम इस मुहिम में फिर से छिड़े हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के सब लोग इस बात को जानें कि पर्यावरण को क्या समस्याएं हैं, कैसे पर्यावरण बचाना है, कैसे वृक्षारोपण करना है, जल का संरक्षण कैसे करें आदि, इन सब चीज़ों के लिए हम जाने, जानकारी बढ़े और जिससे हम लोग प्रेरित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर लगा रहा बधाइयों का तांता। दिन भर टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहे शुभकामना संदेश। कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मायावती शिवपाल ने भी दी सीएम योगी को बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण। हरिशंकरी के रोपण से सीएम योगी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एक ही थाले में एक साथ पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को लगाए जाने को कहते हैं हरिशंकरी पौधरोपण। महामहिम के हाथों में खूब इतराया गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प। सीएम योगी ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को भेंट की टेराकोटा की मूर्तियां। महामहिम के सपरिवार अवलोकन के लिए सर्किट हाउस में लगा टेराकोटा शिल्प का स्टॉल और मजबूत हुई ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ब्रांडिंग। पर्यावरण दिवस के दिन जन्मदिन और उसके प्रति योगी की प्रतिबद्धता। प्रस्तुत है गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज के लिए स्पेशल स्टोरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला मीडिया से रूबरू। कहा, धरती को बचाने के लिए हर व्यक्ति को करना ही होगा पौधरोपण, तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी रहेगा सुरक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। वक्ताओं ने कहा, वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की बनता जा रहा है एक गंभीर समस्या। वृक्षारोपण और वृक्षों को संरक्षण करना है एकमात्र उपाय। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं अपने संरक्षक मुख्यमंत्री व गोरखपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर किया वृक्षारोपण। प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने नागरिकों से की अपील। कहा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम जरूर लगाएं एक पौधा। बच्चे और बड़ों ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ धूमधाम से मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। सदर सांसद ने सीएम योगी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरखपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जन्मदिन। गोरखपुर में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 17,773 में से 8,733 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 9,040 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दिया संदेश। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल के नेतृत्व में तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क के समीप वृक्षारोपण किया, जिसमें पीपल, पाकर, जामुन एवं सहजन पौधों को लगाया गया तथा पिछले वर्ष लगाए गए पौधों को देखभाल करते हुए उनको सिंचित किया गया, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस व संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस है। हम सभी लोग प्रतिवर्ष योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, ताकि एक अच्छे पर्यावरण का संदेश दे सके और एक अच्छे वातावरण में हम सभी जी सकें। इस अवसर पर रामपाल सिंह, आशीष गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, अमरजीत, हिमांशु, मिथिलेश मल, हरि नारायण सिंह, राम इकबाल सिंह, जितेंद्र पासवान, अंगद कुशवाहा, विनय सिंह, दिनेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, विजय प्रताप सिंह, सत्यनारायण पासवान, जी के द्विवेदी सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, पाकड़ कहाँ गया? ये है सर, ये इधर है, वही है, कहाँ है? पाकड़ पानी ले भाई, पानी दीजिए, पानी बढ़ जाइए लगा पाकड़ है, ठीक है, ठीक है। गोरक्षनाथ की माता की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। एक सुखद संयोग है कि आज के दिन अपने मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका जन्मदिवस भी है। तो हम लोग प्रतिवर्ष पूज्य महाराज जी के जन्मदिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। ये हमारे संगठन ने, हिंदू वाहिनी ने इसके लिए प्रण किया है कि हर कार्यकर्ता दो दो पौधे रोपेगा, और आम नागरिक से हम लोग अपील करते हैं कि कम एक पौधा इस दिन अवश्य रोपें, ताकि एक अच्छे पर्यावरण का संदेश परम पूज्य महाराज जी के जन्मदिवस पे हम सब लोगों को दे सकें, साथ ही एक स्वच्छ वातावरण में हम सब लोग जी सकें। क्या उद्देश्य है? यह उद्देश्य केवल धरती को, धरती माता को स्वच्छ बनाना, इसकी उर्वरा शक्ति को मजबूत करना, क्योंकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वगैरह से चीज़ें, धरती और प्लास्टिक के उपयोग से चीज़ें खराब हो रही हैं, और प्रदूषण से जो हम लोगों की सांसें रुक जा रही हैं, वो सांस हमारी लंबे समय तक चले, हम स्वस्थ रहें, हम दीर्घायु रहें, आम जनता का शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए वृक्ष का होना बहुत जरूरी है।
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस पर बच्चे और बड़े लोगों ने बड़े ही धूमधाम से सीएम योगी का जन्मदिन मनाया और उनके जन्म दिवस पर वृक्षारोपण भी किए। जैसे पेड़ छांव देता है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेशवासियों के ऊपर छांव बनकर जनता की सेवा करेंगे। सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है, तुमको हमारी उम्र लग जाए, मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, आज पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है और समस्त गोरखपुर से छोटे बच्चे से लेके सब लोग आज उनको पुष्प गुच्छ देना चाह रहे हैं, तो महाराज जी को हमारी भी उम्र लग जाए, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बंधन समिति के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन एक निजी हॉल में धूमधाम से मनाया। इस दौरान राष्ट्रीय बंधन समिति के अध्यक्ष विजय खेमका सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्र पर तिलक लगाया व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं राह चलते हुए राहगीरों रिक्शा चालकों को भी मिठाई खिलाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बंधन समिति के अध्यक्ष विजय कुमार खेमका, सचिव दुर्गेश त्रिपाठी, मनोज कौर, देवीलाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, अनुराग रामानंद, गोविंद पासवान समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय बंधन समिति के सचिव दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, पूज्य योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। पूज्य महाराज जिंदाबाद, पूज्य महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुर्गेश त्रिपाठी, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय बंधन समिति के तत्वाधान में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बंधन समिति के पदाधिकारियों ने 51 तुलसी के पौधे भेंट किए हैं, साथ में महामृत्युंजय का जाप करने के पश्चात आज यहां पर एक मंगल कामना के साथ कि जिस महाराज जी यशस्वी रूप से हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आने वाले समय में वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करें, इस मंशा के साथ आज महाराज जी का जन्मदिन मनाया और उन्होंने टीका करके एक दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ में जो यहाँ पे राहगीर और आत्मा रिक्शे वाले जा रहे थे उनको भी मिठाई खिलाई। जनपद में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि जनपद में 17,773 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से कुल 8,733 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 9,040 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जिसके संबंध में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था और ज्यादातर सवाल करंट अफेयर से आए थे, उम्मीद है कि निकल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पेपर देने आए अभ्यर्थियों ने कहा, पेपर मीडियम था, कुछ हार्ड नहीं था ज़्यादा। सर पहले कभी एग्जाम दिया है? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। बट किस तरह के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन ज़्यादातर करंट पे थे और इकोनॉमिक्स वगैरह। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? देखिए निकलना चाहिए। अनुज, आज एवरेज क्वेश्चन आए थे, जिसने पढ़ाई करा था उसके लिए आसान था। कैसा रहा पेपर आपका? मेरा अच्छा था। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है पेपर के लिए? उम्मीद पॉजिटिव है, होपफुल है। यस पी यादव, एग्जाम में कैसा रहा पेपर?
संविधान का पेपर थोड़ा सा ईजी था, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पूछा था और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन कठिन रहे और करंट का कुछ क्वेश्चन जो था वो ईजी लग रहा था और बाकी ले दे के जो पेपर था मॉडरेट था, मतलब जो पढ़ा वो कर सकता है। मेरा भी अच्छा खासा हुआ है। क्या लग रहा है निकल सकता है? अगली बार की अपेक्षा पेपर कठिन था ये देखा जाए तो। पहले आपने एग्जाम दिया है? जी सर, इसके पहले मैं एग्जाम दे चुका हूँ। पेपर ऐसा था कि कुछ कह नहीं सकते, आप जितना भी तैयारी कर लीजिए आपके लिए कम ही रहेगा। आजकल पेपर का पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया, लेकिन कुछ मिला के ठीक ठाक ही था। इससे पहले आपने एग्जाम दिया? हाँ, मैंने एक पहले भी अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा था। क्या लग रहा है आज का पेपर? अब इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर महिला जिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण किया, जिसके संबंध में महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पूरे विश्व में जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको देखते हुए महिला जिला चिकित्सालय में भी पौधारोपण किया गया है और संकल्प लिया गया है कि पौधों को संरक्षित कर बड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं और उसको बड़ा होने तक संभाल कर रखें। इस अवसर पर उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर रुक्मणी, अमरनाथ जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज पूरे विश्व में जगह जगह पे वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी को देखते हुए एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है इस जिला महिला चिकित्सालय में, जो कुछ एनजीओज के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया है यहाँ पर भी कुछ पौधे लगाने का, और उनको लगाने के साथ साथ उनको सुरक्षित रख करके बड़ा करने का। क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण? मैं ही चाहूँगा कि जो भी आज के दिन क्या, जब भी मौका लगे हर परिवार के सदस्य को और हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए, और लगाने के साथ साथ उसको बड़ा होने तक उसकी देखभाल भी करके उसको सुरक्षित रखें, जिससे उनको एक सुरक्षित माहौल सांस लेने के लिए कम से कम हवा तो साफ सुथरा मिल सके। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर लगा रहा बधाइयों का तांता। दिन भर टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहे शुभकामना संदेश। कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मायावती शिवपाल ने भी दी सीएम योगी को बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। हरिशंकरी के रोपण से सीएम योगी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एक ही थाले में एक साथ पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को लगाए जाने को कहते हैं हरिशंकरी पौधारोपण। महामहिम के हाथों में खूब इतराया गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प। सीएम योगी ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को भेंट की टेराकोटा की मूर्तियां। महामहिम के सपरिवार अवलोकन के लिए सर्किट हाउस में लगा टेराकोटा शिल्प का स्टॉल और मजबूत हुई ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ब्रांडिंग। पर्यावरण दिवस के दिन जन्मदिन और उसके प्रति योगी की प्रतिबद्धता। प्रस्तुत है गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज के लिए स्पेशल स्टोरी।
विश्व पर्यावरण दिवस पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला मीडिया से रूबरू, कहा धरती को बचाने के लिए हर व्यक्ति को करना ही होगा पौधारोपण, तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी रहेगा सुरक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। वक्ताओं ने कहा वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की बनता जा रहा है एक गंभीर समस्या, वृक्षारोपण और वृक्षों को संरक्षण करना है एकमात्र उपाय। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं अपने संरक्षक मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर किया वृक्षारोपण। प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ले नागरिकों से की अपील, कहा विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम जरूर लगाएं एक पौधा। बच्चे और बड़ों ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ धूमधाम से मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। सदर सांसद ने सीएम योगी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं, कहा तुमको हमारी उम्र लग जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर राष्ट्र बंधन समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जन्मदिन। गोरखपुर में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न। 17,773 में से 8,733 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल, 9,040 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दिया संदेश। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।